हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अगेन द मॉर्निंग हैज़ बीन वेरी गुड। सुबह उठते ही यूट्यूब का मेल आया कि नाउ माय यूट्यूब फैमिली इज़ ओवर 300। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ अपना सपोर्ट और शेयरिंग ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के साथ जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकूँ। और हाँ, कल की व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं बाहर जाऊंगी तो वो व्लॉग आपसे शेयर करूंगी, पर मैं जा ही नहीं पाई। एज़ यू ऑल कैन विटनेस दैट टफ कैस्ट अ लिटिल कोल्ड। और हम अपने आज के टिप ऑफ द डे में भी यही बात करेंगे कि कोल्ड से जो एलर्जी होती है ना, उसको हम आसानी से कैसे मैनेज कर सकते हैं। एलर्जी तो बहुत टाइप की होती है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी होती है, पर अपने आज के स्पेशल वीडियो में हम कोल्ड एलर्जी की बात करेंगे, बाकी फर्दर किसी और वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल मैं भी अपने कॉलेज के ग्राउंड में आ गई हूँ थोड़ी सी धूप लेने, सो दैट आई कैन फील अ लिटिल बेटर। अभी जाऊँगी क्लासेस के लिए, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे। एंड दिस इज़ आर लंच टाइम, पर सर्दी हो जाने पर ना कुछ भी खाने पीने का सही से मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही बस मैं अपने कॉलेज के गार्डन में घूम रही थी। और ये देखिए तुलसी माता कितनी प्यारी लग रही हैं। तुलसी की पत्तियों का कितना यूज़ है, अब हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, स्पिरिचुअल भी है, पर हम यहाँ पे इसके मेडिसिनल यूज़ेस की बात करेंगे। तो चलिए मैं फ़िलहाल थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों को तोड़ लेती हूँ काढ़ा बनाने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे अपने रूम पे जाके। एंड नाउ वी हैव रिटर्न फ्रॉम आवर कॉलेज एंड एज प्रॉमिस्ड गोइंग टू मेक काढ़ा। तो यहाँ पर हम एक कप पानी को बॉईल कर रहे हैं और यहाँ हमने अपने लिए हैं ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स: जागरी यानी कि गुड़, काली मिर्च जिसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया है, तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक और ये सेंधा नमक। गुड़ और काली मिर्च और अदरक की प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पहले के वीडियोज़ में। आज के हमारे दो स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स हैं ये तुलसी के पत्ते और ये सेंधा नमक। तुलसी और सेंधा नमक दोनों स्पेशली एंटी एलर्जिक होते हैं, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी में घुल के और एलर्जेंस को मार के बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज हम यूज़ करेंगे। और डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में क्यों लिया है, तो ऑब्वियसली मुझे एक कप बनाना है। और ये बनाते समय आपको भी ध्यान रखना है कि आप भी कोई भी चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा ना लें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि हम कोल्ड एलर्जी से रिलीफ लेने के लिए हम ये बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें गर्म हॉट नेचर की होंगी। एंड जब ये आपकी बॉडी में घुलेंगी ना, तो आपकी बॉडी और भी गर्म होगी एंड मे बी आपको इनडाइजेशन या डाइजेशन रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप भी क्वांटिटी का ध्यान रखें। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसे इस खौलते पानी में डाल देना है और तब तक बॉईल करना है तब तक कि ये एक कप पानी आधा कप ना हो जाए। ये एक कप पानी को आधा कप करने का क्या कॉन्सेप्ट है पता है? ताकि इन सारे इंग्रेडिएंट्स के जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो काढ़े में आ जाए। ये जब तक हमारा काढ़ा उबल रहा है, आप सभी से बातें कर लेते हैं और आप सभी को इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देते हैं। सबसे पहले ये कि आपको क्या नहीं करना है जब भी आपको ठंड की वजह से एलर्जी हुई हो या सर्दी जुकाम हुआ हो, आपको केला और दही बिल्कुल भी नहीं खाना है और कोई भी हैवी मील या स्पाइसी फूड जैसे कि ब्रेड हो गया या ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें हो गई, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। हमारा आयुर्वेद ऐसा मानता है ना कि ये सारी चीज़ें खाने से बॉडी में जो है पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन और एलिमिनेशन सही नहीं होता है और ना ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स एलिमिनेट हो पाते हैं। तो टॉक्सिन्स एलिमिनेट नहीं होंगे तो सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहेगी, इसलिए केला और दही या कोई भी हैवी मील आप लोग ना खाएं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब ना एलर्जी से फाइट करने में हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ें डेली दिन के टाइम में ज़रूरी है। और आज का दूसरा और मेन टिप ऑफ द डे तो मैंने आप सभी से शेयर कर ही लिया, हमारी स्पेशल काढ़े की रेसिपी। ऐसे सिंपली आप लोग काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसके रेडीमेड जो ड्राइड मटेरियल्स होते हैं ना एक क्वाथ के रूप में, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वो भी ले सकते हैं।
पर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सिंपली अपने घर में रखी हुई ऐसी चीज़ों से बना सकते हैं। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे आज के लिए कि आपको हॉट वाटर स्टीम यानी कि गर्म पानी का भाप भी ज़रूर लेना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो किचन में तीन सिंपल इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होंगे, हल्दी, अजवाइन और सेंधा नमक। सिंपली गर्म पानी करके उसमें ये डाल देना है ये तीनों चीज़ों को, और किसी हैवी कपड़े से अपना मुंह ढक के भाप ले लेना है। जब भी हमारे नेजल पैसेज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा ना, तो ये उसे क्लियर करके आपको एलर्जी से फाइट करने में हेल्प करेगा। अब रही बात, मैं तो हॉस्टल में हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेरे पास शायद ना हो, कुछ भी ना रहे तो विक्स तो ज़रूर रहता है, विक्स वेपोरब जो आता है ना। सिंपली पानी गर्म करके पानी में विक्स को डाल के उसका भाप ले लेती हूँ, उसमें भी ये सारे प्रिपरेशंस अवेलेबल होती हैं। तो ये तीन सिंपल चीज़ों को करके घर बैठे आप अपनी एलर्जी को फाइट कर सकते हैं। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आपको कोई सीवियर एलर्जी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करके, अपने डॉक्टर से बात करके आप मेडिकेशन ले सकते हैं। एंड फिलहाल अब काढ़ा रेडी होने वाला है, तो चलिए अपना काढ़ा लेकर चलते हैं छत पे और थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं। और अब मैं काढ़ा लेकर आ गई हूँ अपने हॉस्टल की छत पे, और ये देखिए यहाँ से सनसेट का व्यू जो है वो कितना प्यारा है। एंड यू नो वॉट गाइज, एक थकान भरे दिन के बाद जब आप ऐसे खुली हवा में सांस ले लेते हो ना, तो ये एक अलग ही रिलैक्सेशन दे देता है। एंड इसी सेटलिंग सन के साथ मैं अपने आज के वीडियो को भी एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और सारी टिप्स यूजफुल होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन आइकन ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें।